follow. हमने किसी ने भी नहीं सोचा था. Lose a test for 36 and you come to Melbourne with a remarkable turnaround test and then you might not land in Sydney with the third test. Yes, I was in lot of pain, but it was a sweet pain because it was a sweet victory for us. Mom यही बोल रहे थे कि जो dad का dream था कि अपने देश का नाम रोशन कर. I want to know कि ये बल्ला कौन उठा के लेके जाएगा जिसपे autograph दिया है. तो आज का जो दिन है एक इवेंट में जाने वाला हूँ जहाँ पर दम वाली बात होने वाली है, समझेंगे आप, बने रहिएगा वीडियो में. पहले मैं तैयार होता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे. थर्टी सिक्स ऑल आउट याद है आपको, ऑस्ट्रेलिया वाला. एग्जैक्टली द वे इंडिया बाउंस्ड बैक इन दैट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और जीत गई कैसे अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी में विराट कोहली के एब्सेंस में. तो आज उसका ही ट्रेलर लॉन्च है गाइस. एंड यू नो हुज डायरेक्टेड दैट सीरीज, नीरज पांडे. बट लेट्स सी इफ इट्स रियली इंटरेस्टिंग. और ऊपर बहुत सारे क्रिकेटर्स भी आने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो इस वक्त मैं आ गया हूँ जेडब्ल्यू मैरियट. 36 ऑल आउट एंड देन बाउंसिंग बैक इन दैट सीरीज ऑस्ट्रेलिया का बहुत हिस्टोरिकल था. डॉक्यूमेंट्री आ चुकी है, सोनी ने बनाई थी तब. क्रिकेट का थीम होता है ना तो खाने पीना या हर चीज क्रिकेट ही होता है. जस्ट चेक दिस आउट. थोड़ा बल्ला घुमाना भी चाहिए, वीआर भी खेलेंगे थोड़ा मजा आएगा. ये भी अच्छा था बट ताकत बहुत ज्यादा चाहिए. यू नीड अ लॉट ऑफ पावर. हाउ टू जनरेट दैट? Ladies and gentlemen, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे भारत की आन बान और शान. एडलेट के बाद मैं कप्तान होने वाला हूँ, विराट जाने वाले हैं. तो मैंने अपने प्लान्स एज ए लीडर एज ए कैप्टन पहले बनाए थे कि मेरे स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, लेकिन एडलेट के बाद कम्प्लीटली मैं पता नहीं चल रहा था कि क्या होगा, मुझे क्या करना है. और पर्सनली मैं रूम पे जाके मैं बैठा था, मैंने सोचा कि अभी यहाँ से मैं टीम को कैसे ऊपर लाऊँगा. बहुत लोग मेरे पर्सनल परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे थे, मेरा फॉर्म अच्छा बुरा चल रहा था. वो एक चीज़ थी. और उसके बाद मेरा फोकस था कि मैं टीम को कैसे ऊपर लाऊँ वहाँ से. तो हमने एज अ टीम यही डिसाइड किया कि एडलेड में वी विल नॉट टॉक अबाउट क्रिकेट एट ऑल, कि क्या हुआ उस मैच में. विल हैव टीम डिनर, विल हैव टीम एक्टिविटीज, सो दैट हमारा माइंड कम्प्लीटली गेम से दूर जाके हम टीम बॉन्डिंग के ऊपर फोकस करें. और जब हम मेलबर्न जाएंगे उसके बाद विल फोकस ऑन आवर क्रिकेट. सो वी डिड दैट. विराट हमने सेंड ऑफ दिया और जा रहे थे वापस. और जब मेलबर्न वी आर टीम मीटिंग एंड वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन प्लेइंग गुड क्रिकेट.
what people are talking about us is not in our control. We just focus on playing good cricket, back each other, and I thought I had a support. Ashwin ka mujhe support tha, Pooji ka support tha, Rohit was there, Rohit ka support tha. So I was actually blessed to have these guys with me. Tours abroad are never easy for the simple reason that you are going into different conditions. That's something that's not explainable until you go and play. You will never feel that. But more than that, it's the support of the public. It's you're playing against the media there. You're playing against the senior players who are going to be backing their teams. It happens a lot, especially in Australia. The people, if you're down, they can make you feel, you know, you're going to be in a lot of trouble for the next few weeks. And that's exactly what happened here in Australia as well. A lot of people might have seen what happened on social media and what sort of comments people had to make. Personally, I don't know how many of the other guys would have read into it, but these things really, sort of give me the necessary motivation to come out and say, okay, boss, you're wrong. We can do it. We are here to do it. But I don't know if it's there as a part of the documentary, but I felt there was a sort of a very external aid that came our way because we wanted to do it. But at the end of the day, these are these 1%ers that will tell you that this will happen. We won the test in Melbourne. Yes, that was the turnaround. But I don't know how many guys remember, yeah, we were on a flight to Sydney. I actually felt, okay, we come back and this flight was landing in Sydney and we got stuck in a thunder shower. And it was in the midst of lightning and all that, and the flight was actually going in different directions. I felt, okay, if this is what is destiny, you lose a test for 36 and you come to Melbourne with a remarkable turnaround test, and then you might not land in Sydney with the third test. That kind of gives you a gist of what life is all about. So the moment I think everything came settling nerves and we all landed and the Sydney test panned out, there was a lot of backstory to it. But by the time we had come there, I think the resolve of the team had strengthened a lot. And it became the resolve of this Indian team versus anything that was thrown at it. And I could still remember the fact that the team was almost oblivion to anything that was happening, and it was meant to be. Yeah, when I got hit in that particular test match, there were so many bruises. But at the end of the day, when I spoke to my family, when I spoke to my wife, when I spoke to my daughter, they were a little concerned. They were worried that if there was anything serious, and I told them, there was nothing serious about it. Yes, I was in a lot of pain, but it was a sweet pain because it was a sweet victory for us. I think probably one of the best test matches I've been part of. So yeah, when you get hit on the body, the only thing you can do is not think about it and have a bigger picture. Only thing I had in my mind in that particular test match was to, ensure that we don't lose too many wickets in first and second session. And that was part of our game plan as well. And by the tea time, we didn't lose too many wickets. There was a platform set for Rishabh to come in and, play his game. But till then, whenever I was getting hit on my body, I wanted to make sure that we don't lose that test match. Till that time, we were not thinking about the victory. Maybe at tea time, there was another strategy. But before that, we wanted to make sure that we don't lose that particular test match. And when I get hit on the body, I just kept telling myself that, look at the bigger picture, don't worry about the pain. Body mushkil tha mere liye wo situation. तब IPL में भी मेरी डैड की तबीयत बहुत ही ख़राब थी, बट मुझे उतना बता रहे नहीं थे घर में कि इतना सीरियस मैटर है, तो इसलिए मुझे पता नहीं चला। अगर मुझे पता चलता था तभी मैं घर चले जाता था, तो मुझे वो चीज़ पता नहीं चली। तब मैं ऑस्ट्रेलिया लैंड हुआ तब मुझे पता चला कि डैड की बहुत ही सीरियस कंडीशन है। तो तब वो सिचुएशन प्रोटोकॉल था कि कोविड मतलब क्वारंटाइन रहना है, तो जा तो नहीं सकते। देन फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करें, फिर उसी दिन मुझे पता चला कि ऐसा डैड की डेथ हो गई। तो जब कोई आगे एक दूसरे से बात नहीं करता था, क्योंकि जब क्वारंटीन के ऐसे सिचुएशन था, तो दैट टाइम के मैं मॉम से बात कर रहा था, तो वो टाइम पे मॉम मेरे को इतना स्ट्रांग बनाए वो टाइम पे कि एक वुमेंस का पावर कितना रहता। तब पता चला कि वो सिचुएशन में भी अपने बेटे को इतना स्ट्रांग फीलिंग दे रही थी, क्योंकि जब इतना मतलब घर का एक पिलर एक स्ट्रॉन्ग पिलर जब जाता है तो बहुत ही अफेक्ट पड़ता है। तो वही तो मेरा डैड मॉम यही बोल रहे थे कि जो डैड का ड्रीम था कि अपने देश का नाम रोशन कर, तो बस यही था कि मेरा मोटिवेशन कि मैं वहाँ जाऊँ। मुझे पता भी नहीं था कि टू बी ऑनेस्ट कि मुझे चांस भी मिलेगा यहाँ पर खेलना, क्योंकि सीनियर बॉलर्स थे। तो बस मैं यही सोचा कि मुझे कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो चीज़ को ग्रैब करूँगा। देन मुझे सेकेंड टेस्ट में मौका मिला, तो वो चीज़ मतलब मैं जब मेलबर्न में जब कैप पहना तो आई वॉज के डैड इधर रहते तो कितना।
एक दो बार पहले आके सिराज ने मुझे बताया था और जसप्रीत ने भी बताया था मुझे कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो हमने जाके अंपायर से बात करी उस वक्त और उनको कहा कि रेसिज्म हो रहा है हमारे बंदों को, लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने जाके कहा कि अगर वैसे दोबारा होता है तो हमें आके बताइए। तो हमने जब नेक्स्ट टाइम हुआ हमने उनको जाके बताया और बहुत बुरा लगा कि ऐसे सुन के, कभी सोचा नहीं था कि ऐसे होगा, स्पेशली हम जब अच्छा कर रहे थे और प्रोफेशनल काउंट स्टार्ट किया रेसिज्म अब्यूज़ करना। सिराज मेरे पास आके उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है, हमने जाके अंपायर से बात करी और कहा कि ऐसे ऐसे दोबारा हुआ है, आपको एक्शन लेना होगा, हम लोग तब तक गेम नहीं खेलेंगे। तो अंपायर्स का कहना ये था कि अगर आप गेम बंद नहीं कर सकते, अगर आपको अंदर जाना है ड्रेसिंग रूम में तो आप जा सकते हो। तो मेरी बातचीत यही थी कि उनसे कि हम यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं, हमें अंदर जाके नहीं बैठना है, आपका काम है जिन्होंने अब्यूज़ किया है उनको हटाइए, हम खेलने के लिए तैयार हैं, तब तक हम खेलेंगे नहीं, हम तो ग्राउंड पर खड़े रहेंगे। फॉर मी इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट माई कलीग ऑन द ग्राउंड, क्योंकि जो अभी बात करी हमने कि स्पेशली हिम जिस सिचुएशन में वो था ऑस्ट्रेलिया में ओवरकम करके आया और देन द वे ही प्लेड, बट आई थॉट दैट वॉज इम्पॉर्टेंट कि एज अ टीम वी सपोर्ट हिम, बट वॉट हैपन इन सिडनी वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। मोहम्मद शमी इंजर्ड हुआ, उसके बाद उमेश जडेजा बिहारी और अश्विन सिडनी टेस्ट मैच और बट इंजरी के साथ वो खेल रहे थे, पुजारा वाज इंजर्ड इन बिटवीन इन सिडनी टेस्ट मैच, और मैच के हर दिन फिजियो आके कहता था कि ये प्लेयर को कुछ नहीं मिले, ये प्लेयर इंजर्ड हुआ है। और जब तक हम ब्रिस्बेन में पहुँचे फिजियो मेरे पास चार प्लेयर्स के नाम लेके आए थे, मैं और कोच उनके पास कि चार प्लेयर्स हमारे इंजर्ड हैं और दो प्लेयर्स को निकल दें, उनको हम ठीक कर सकते हैं इन चेक करके। तो हमने सोचा कि यार प्लेयर ही नहीं है और तीन चार दिन ही बचे थे टेस्ट मैच के लिए, तो हमने किसी से बात करी और उनको कहा कि अगर जो दो प्लेयर्स उनको निकल अगर उनको चेक करके हम ठीक कर दें तो ठीक है, अगर प्लेयर्स 50-60% भी फिट है दैट्स फाइन, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, जो नेट बॉलर्स भी आए थे वो भी ऑलरेडी टीम का पार्ट बन चुके थे और उनमें से दो प्लेयर्स ने डेब्यू किया था उस सीरीज में, तो इट वॉज चैलेंजिंग। बट जस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई वांट टू गिव क्रेडिट टू फिजियोज एज वेल, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस उनका जो काम है अननोटिस चले जाता है, सारा क्रेडिट प्लेयर्स और उनको मिल जाता है जो स्क्रीन पर आपको दिखता है। फिजियोज का जो काम था जिस तरीके से उन्होंने प्लेयर्स के ऊपर फोकस किया, प्लेयर्स को ध्यान दिया, मुझे याद है दो फिजियोज थे हमारे साथ, दो तीन रात सोए नहीं थे, प्लेयर्स को हमेशा बताते थे कि आप ऐसी करो एवरी आवर, तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम एज वेल, उन्होंने पूरी टीम खड़ी करी और चौथे मैच तक जो रिजल्ट हुआ आई थिंक उनका क्रेडिट उनको भी जाता है। This squad with the young players around who performed well in second and third test match, we thought that we had our chances, maybe we are not the favourites, but what we, I think you also spoke about this, what we spoke was to give our best and not think about the results. As long as we are giving our best, we are trying to play to our potential, and as long as we are confident of what we are doing, and if we could execute our game plans well, then we had our chances, and I think that is what happened. I think most of the young guys took a lot of responsibility, the way they've handled the pressure, which was remarkable. I think one of the best test matches I've been part of, and I haven't seen so many young players who have done well in a particular series, and that in the last particular test match, that was incredible. जब मैं 5 विकेट बॉल लेके जब बॉल ऊपर करके जब जा रहा था तो आई फील लाइक वो ड्रीम मेरे लिए, तो वो सबसे कभी नहीं बोल सकता वो चीज़। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था कि फैंस ने क्या कहा है, जो मोमेंट्स हम दोनों गुजरे उस वक्त उससे ज़्यादा दुख आई डोंट थिंक किसी और को हुआ होगा, क्योंकि विराट रनआउट होने के बाद जितना दुख उनको हुआ रहेगा उससे ज़्यादा दुख मुझे हुआ था, क्योंकि जिस सिचुएशन में हम थे उस टेस्ट मैच में आई थिंक वो मोमेंट के बाद टेस्ट मैच कम्प्लीटली चेंज हो गया। सो फैंस ने क्या किया मुझे नहीं पता था, बट वो सिचुएशन से और वो मोमेंट से हम दोनों को बहुत दुख हुआ था। इट वॉज टफ, इट वॉज चैलेंजिंग फॉर ऑल द प्लेयर्स टू प्ले क्रिकेट ड्यूरिंग क्वारंटीन एंड स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया वेयर रूल्स वेयर लॉट स्ट्रिक्टर देन द अदर कंट्रीज, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स विल अग्री दैट टू क्वारंटीन एंड देन यू नो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अगेन, you lose a lot of your fitness, you start losing your rhythm as well as players, so you need to, I mean those 4, 5 or 7 days are probably the toughest for all the players, although we have a little bit of facilities nowadays, I mean now there is no quarantine anymore,
But even in when we are in India, we still get provided some facilities where we could do a little bit of strength in our room. There is a cycle available where we can do some training. But when we are in Australia, I think we couldn't do that for first few days. So to play in a bubble, to play matches, and then at the end of day's play, once you are back from a match, even if you want to go out for a dinner, you can't just go out. We were, but actually that helped us a lot, I would say, because most of the times, you know, in the evenings we used to sit in the team room and have our meals together. We used to play some games in the team room. So actually that helped us get together. The team bonding was even more during quarantine. So there are positives and negatives of it, but for us, I think there were more positives when we were sitting together, chit-chatting about the game or something else. So I feel that we had more positives, but mentally, yes, it is challenging and it is tough for us. What a fantastic story. बहुत मजा आया सुन के. एक से एक anecdotes मालूम पड़े हैं. I really like the whole setup, pura jaise bana hai dressing room ki tarah, shoes, t-shirts. Yes, I want to know ki ye balla kaun leke jayega. Sabse important baat ye hai. ये कौन उठा के लेके जाएगा जिसपे ऑटोग्राफ दिया है. How excited about this documentary, Mr. Pandey? Very much. इसके बारे में क्या? इसलिए actually. नीरज पांडे ना. Favorite movie कौन सा है तुम्हारा? MS धोनी. MS धोनी. Yes, even my favorite. But Baby बनाया था. Baby special 26 रुपए. MS धोनी अच्छा बनाया था. By the way, इसका पहला पिक्चर कौन सा है पता है? कौन सा है? एक रिजवी ने प्रोड्यूस किया था मूवी वो. Oh, Wednesday.